और यहाँ पे कुछ लोग प्रदर्शनी देखने आए हुए हैं और एक भैया हैं। तो भैया, ये कौन सा विद्यालय है? ये चकिया में स्थित बाबा विश्वनाथ कॉन्वेंट स्कूल है, जिसमें आज हम लोग सभी यहाँ पे आए हुए हैं। और जो यहाँ पे हम लोग साइंस एग्जीबिशन देख रहे हैं, बच्चों की सोच देखिए कि किस तरीके से ये छोटे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे और कितनी अच्छी और कितनी ऊँची तक सोच है। आपके बगल में जैसे एक ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपको दिख रहा है साइंस एग्जीबिशन में नो वेस्ट फूड। जैसे कि अभी शादी का सीज़न चल रहा है, इस बच्चे की सोच देखिए कि कितनी अच्छी है कि हम लोग शादियों में खाना खाते हैं, खाना गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है, लेकिन इस बच्चे ने इस पर एक मॉडल बनाया कि नो वेस्ट फूड, की कैसे हम खाने को बचा सकते हैं और कैसे वेस्ट है हम लोग के बीच में ना हो। वहाँ पे क्लास सेकंड की एक छोटी सी बच्ची है, हम लोग के अब जैसे वाटर प्योरीफायर आ गया है, तो कई हम लोग जनरेशन जो भी है जो इस लोग चीज़ों को नहीं जान पाते हैं कि वाटर प्योरीफाई कैसे होता है। तो जब पहले के ज़माने में जब ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो उस बच्ची ने वो दिखाया कि पहले की ज़िंदगी कैसे होती थी और किस तरीके से पानी की सफाई करके हम लोग उसको पीते थे। तो ये बच्चे क्लास सेकंड में होने के बावजूद और इतने पिछड़े इलाके से होने के बावजूद इस तरीके की सोच और इस तरीके की जो एक एक्टिविटी अगर कहें तो जिस तरह से ग्रामीण इलाका है और इतना शानदार विज्ञान प्रदर्शनी जो लगाए हैं बच्चे, इसे किस तरह से एक संदेश आप दे सकते हैं कि ऐसे ही तमाम विद्यालय ऐसे ही समाज देखिए अक्सर होता है कि गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए लोग शहरों में भेजते हैं। पिछड़ा इलाका आपने कहा, पिछड़ा इलाका अब तो मुझे नहीं लगता कि पिछड़ा इलाका होगा। इस तरीके के विद्यालय अगर हर जगह पिछड़े इलाके में खुलते रहेंगे और इस तरीके की शिक्षा बच्चों के बीच में जाती रहेगी, तो इससे बच्चों के जागरूकता और जो 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 शिक्षा जो लोग शहर में जाके लेते हैं वो लोग गाँव में ही ये विद्यालय यहाँ पे अवेलेबल करा रहा है। तो इतना अच्छा विद्यालय है, तमाम एक सर हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये भी सर इस जो ये विज्ञान प्रदर्शनी, इसका उद्देश्य क्या है और क्या है कुछ है बच्चे है? ये जितने छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन लोगों को साइंस के बारे में अच्छी अच्छी तकनीक के बारे में जो जानकारी दी जा रही है, इससे हमारे जीवन में भी बहुत अच्छा महत्व है। जैसा कि एक चीज़ और देखते हैं कि ग्रामीण इलाका है, ज़्यादातर देखेंगे तो शहरों की तरफ भागते हैं लोग कि शहरों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन जबकि ग्रामीण इलाके में भी इतनी पढ़ाई अच्छी होती है और सब कुछ यहाँ पे बच्चों को उत्साहित करने के लिए और उनको जानकारी। शहरों में तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो गाँव का जो कल्चर है, जो यहाँ का परिवेश है, इतनी अच्छी है कि जो शिक्षाएँ जो गाँव में मिल रही है शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक सुविधाएँ सुख सुविधा उपलब्ध है और बच्चे जिस तरह से जागरूक साइंस के बारे में है, इस तरह से हर एक क्षेत्र में हमको देखने को ये मिला कि हमको जो टीवी पर या जो हम सुनते हैं रेडियो से या मोबाइल पे, तो हमको ये देखने में लग रहा है कि आने वाले समय में ये बच्चे ही वैज्ञानिक बनेंगे। तो ये बच्चे वैज्ञानिक बनेंगे और इसी इन्हीं बच्चों में से कोई आईएएस पीसीएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, क्योंकि आज जिस तरह से यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी लगी है, तमाम छात्र देख सकते हैं छात्राएं, और देखिए बच्चों में कितना उत्साह है। आप बच्चे हैं और थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए, और ये विज्ञान प्रदर्शनी है और शानदार विज्ञान प्रदर्शनी का जिस तरह से यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया था, तो यही दिखाने के लिए आपको भी कि इस तरह से ही अगर हर विद्यालय में और यहाँ जितने भी अभिभावक हैं, अगर इसके विषय में अगर इस विद्यालय में एक बार आके कम से कम देखें कि किस तरह से विज्ञान प्रदर्शनी होती है। फिलहाल अन्य खबरों के लिए बने रहें संघर्ष न्यूज़ लाइव के साथ। मऊ से विवेक चौहान।